वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज़ोया। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं अपने चैनल पर मेकअप से रिलेटेड और DIY से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपने फेस को कर रही हूँ मॉइस्चराइज। फेस को हाइड्रेट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ताकि आपकी बेस फ्लॉलेस बने। और मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी हिमालय की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। उसके बाद सेकंड स्टेप है प्राइमर का। प्राइमर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर देता है, आपको एक बिल्कुल स्मूथ फिनिश देता है। देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी एक स्पूली। स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को ऊपर की जानेब कुछ इस तरह से कॉम करूँगी। देन मैं आईब्रोज को फिल करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्वीट फेस की आईब्रो पेंसिल। बिगनर्स के लिए ये मेथड बहुत ही इजी है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्टार्ट में ही पोमेड और जेल यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बिगनर्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फ़िलहाल आईब्रो पेंसिल से ही काम चलाएं। उसके बाद आईब्रोज को नीट करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मिस रोज़ का पामेला फेरारी कंसीलर शेड 01, और उसको मैं ज़ोइवा के कंसीलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। देन बेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्रिस्टीन की लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड है इसका 04, CN04, और इसको भी मैं ज़ोइवा के ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में जो लाइटिंग है वो बहुत ही अजीब सी है, कभी ज़्यादा तेज़ है, कभी कम है, पता नहीं क्या मेरे लाइटिंग सेटअप को हो गया था। तो आई होप आप लोग समझोगे, माफ़ कर दोगे। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्रीम कंटोर के लिए क्रिस्टीन की कंटोरिंग स्टिक, और इसको मैं अपनी जॉ लाइन पे, अपने चीक्स पर, अपने फोरहेड पर और अपनी नोज़ पर अप्लाई करूँगी। देन मैं इसको रियल टेक्निक के ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। आप लोगों को इस स्टेज पर क्रीम कंटोर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जैसे जैसे आप इसके ऊपर ब्लश ऑन अप्लाई करते हो, हाइलाइटर लगाते हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। क्रीम कंटोर हो गया यहाँ पर डन। इसी तरह सेम मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज़ करूँगी, और कंसीलर मैं पामेला फेरारी 01 शेड ही यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी आईब्रोज को नीट करने के लिए यूज़ किया था। देन इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया लाइटिंग के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एकदम से इतना अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, आपने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना। अब मैं अपने जो मैंने कंसीलर यूज़ किया है हाईलाइट पॉइंट्स पर, उसको सेट करने के लिए यहाँ पर क्रिस्टीन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जैसे हाईलाइट पॉइंट्स को बेक करना ज़रूरी है ताकि कंसीलर सेट हो जाए, इसी तरह सेम क्रीम कंटोर को भी सेट करना पड़ता है। क्रीम कंटोर को सेट करने के लिए मैं डूडू गर्ल का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और उसमें से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है। खैर, इस वक्त मैं भूतनी लग रही हूँ क्योंकि पूरा फेस बेक हुआ है, लेकिन कोई नहीं, आगे जाके सेट हो जाएगा। नाउ मैं एक सेलो टेप ले रही हूँ और इसको अपनी बैक ऑफ द हैंड पर कुछ इस तरह लगा कर चिपका कर फिर उतार रही हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी चिपकाहट कम हो जाएगी और आपका जो आई एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि आई एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये स्टेप आप कर लें तो बेहतर है। नाउ मैं ग्लैमरस फेस के पैलेट से ले रही हूँ ब्लैक शेडो, और उसको मैं लाइनर की तरह अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह, और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ोइवा का एंगल ब्रश। आज का आई मेकअप बहुत ही ईजी है और तकरीबन 5 मिनट में हो जाने वाला मेकअप है। इसी तरह सेम मैं दूसरी आई पर भी आई शेडो से आईलाइनर क्रिएट कर लूँगी। अगर इसके एजेस थोड़े ख़राब भी लगते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि टेप लगी हुई है, तो जब आप टेप रिमूव करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ आपको एक लाइन मिलेगी। इसके बाद मैंने ग्लैमरस फेस के पैलेट से लाइट ब्राउन कलर लिया है, और उसको मैं ब्लैक वाले कलर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता आई के अंदर की तरफ भी उसको मैं ड्रैग करूँगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। आपने एकदम से बहुत ज़्यादा आई शेडो नहीं पिक करना, आपको जितना चाहिए आप बार बार ले सकते हो, लेकिन एकदम से आपने आई शेडो अगर ज़्यादा लगाया तो वो ब्लेंड नहीं होता और मैस हो जाता है। सेम इसी तरह दूसरी आई पर भी मैं अपने आई शेडो को अप्लाई करूँगी और ब्लैक वाले आई शेडो को स्मोक आउट करूँगी। देन मैं यहाँ पर अपनी टेप को रिमूव कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि कितना फाइन एक एज मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, और यहाँ पर मैं अपनी बेकिंग को रिमूव कर रही हूँ। फिलहाल मेरी कंटोरिंग बहुत ज़्यादा हार्श लग रही है,
लेकिन डोंट वरी, आगे आप देखेंगे ये सेट हो जाएगी जब मैं इसके ऊपर ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर लगाऊंगी। मैंने ब्राउन कलर जो एज अ ट्रांजिशन नहीं, जो कि मैंने ब्लैक कलर को स्मोक आउट करने के लिए यूज़ किया था, उसी को मैंने अपने आईज़ के नीचे यूज़ किया है और फिर एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक कलर को आईज़ के नीचे अप्लाई किया है। काजल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्रेलॉन का और ब्लश ऑन मैं यूज़ कर रही हूँ डूडू गर्ल का। जिस पैलेट में से मैंने कंटूरिंग कलर चूज़ किया था उसी में से मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया है। अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर रिवाज यूके का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रिवाज यूके का, नंबर है इसका 07 और इसको मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। हाइलाइटर को सेटिंग स्प्रे के बाद यूज़ करने का क्या मकसद है कि इस तरह से आपका जो हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और काफ़ी देर तक स्टे करता है। देन मैं सेम हाइलाइटर से अपनी नोज़ को भी हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ मैं ब्रॉक के लिप लाइनर से और अपने लिप्स को मैं फिल करूँगी मेडोरा की लिपस्टिक से। शेड है इसका, सॉरी नंबर है इसका 228। और यहाँ हो गया है मेकअप कंप्लीट, लेकिन कुछ कुछ अधूरा लग रहा है। मैंने लैशेज अभी तक नहीं लगाई हैं, तो लैशेज लगाकर, हेयर स्टाइल बनाकर और एक्सेसरीज से फुल होकर हम आपको दिखा देते हैं। सो आई एम डन हेयर। इस वीडियो को मैंने विदाउट लाइटिंग, मीन सिर्फ कमरे में जो एक लाइट जल रही होती है उसके अंदर भी रिकॉर्ड किया था और मुझे इस तरह वीडियो का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोगों को क्लियर दिखानी पड़ती है हर चीज़, तो हमें थोड़ी सी लाइटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। आप मुझे बताइएगा इस तरह वीडियो अच्छी लगती है या लाइटिंग के साथ अच्छी लगती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं, मेकअप समझ में आया या नहीं, कोई भी रिमार्क्स हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और मेरी वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें, प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।